नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर गांधी के सपनों का भारत बनाएं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का आरएसएस पर परोक्ष हमला, कहा कुछ संगठनों का स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शुरू की जनादेश अपमान यात्रा, कहा नीतीश ने महात्मा गांधी को दिया धोखा। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकवादी मारे गए। आरक्षण को लेकर मुंबई में फिर शुरू हुआ मराठा आंदोलन। सहारा समूह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर पुणे स्थित एमबी वैली परियोजना की नीलामी रोकने का अनुरोध किया। यूपी में समाजवादी पार्टी को 4th झटका, पार्टी महासचिव डॉक्टर अशोक वाजपेयी ने भी विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया। यशवंत सिंह, बुक्कल नवाब और सरोजनी अग्रवाल पहले ही दे चुके हैं इस्तीफा। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में टेम्पो पलटने से 9 लोगों की मौत, 6 अन्य घायल। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी, उत्तर कोरिया का ऐसा विध्वंस होगा जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा। चीन में सिचुआन प्रांत में भूकंप, 13 लोगों की मौत, 175 घायल। पाकिस्तान के उत्तर पूर्व में अफगानिस्तान सीमा के पास आत्मघाती धमाका, 4 सैनिकों की मौत। रविंद्र जडेजा नहीं खेलेंगे तीसरा टेस्ट, अक्षर पटेल टीम में शामिल। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।